Hello students welcome to this online lecture series of refrigeration and air conditioning in this lecture we are going to discuss the <coughs> difference between comfort air conditioning and industrial air conditioning the condition of industrial air conditioning is different from the comfort air conditioning as for some of the machines and some of the manufacturing process some special कंडीशन इज रिक्वायर्ड लाइक सम स्पेशल टेम्परेचर एज वेल एज सम स्पेशल ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड तो आपका जो कंफर्ट कंडीशन होता है उसके लिए अलग कंडीशन होती है और जो हमारे पास इंडस्ट्रियल condition है that, that are different okay so we will discuss about all these as well as we will also discuss the winter air conditioning as well as summer air conditioning system okay so first we will discuss the equipments used in the air conditioning system so what are the equipments that we use in the air conditioning system the first equipment is circulating fan or circulation fan so what is the circulation fan the main function of this fan is to move the air to and from the room okay so the circulation fan is basically used to push the air into the room as well as you have it also takes the air from the room okay so second thing is the air conditioning unit so what is the air conditioning unit air conditioning unit consists of cooling coil and dehumidifier for summer air conditioning if you are using the air conditioning unit for the summer air conditioning then क्या चाहिए होता है समर एयर कंडीशनिंग में आपको एयर को कूल cool करना होता है और डी करना होता है ओके okay. जनरली आपको एयर क्योंकि समर में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ जाती है ओके okay. दूसरा आपका जो हो सकता है वो हो सकता है आपका विंटर एयर तो विंटर एयर कंडीशनिंग में आपको ध्यान ये रखना है कि विंटर में जो हमारे पास ह्यूमिडिटी होती है एयर में वो कम हो जाती है ठीक है हाइयर टेम्परेचर इन विंटर सो इन द विंटर ह्यूमिडिफिकेशन इज परफॉर्म्स एंड फॉर दैट दिटिंग ऑयल एंड ह्यूमिडिफायर इज यूज इन द विटर एयर कंडीशनिंग ओके द थर्ड वन इज दप्लाई डायडक्ट सप्लाई डेसिकली अ डक्ट ज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप और एनी अदर शेप ठीक है रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है या किसी और शेप का हो सकता है ठीक है ये क्या करता है कि इट डायरेक्ट द कंडीशन एयर फ्रॉम द सर्कुलेटिंग फैन टू द स्पेस टू बी एयर कंडीशन एट अ प्रॉपर प्वाइंट ठीक है सो so, क्या करता है सप्लाई का ड का काम होता है जो हमारी कंडीशन एयर होती है उसको सर्कुलेटिंग फैन के थ्रू उस स्पेस में भेजना जहां पे हमें एयर कंडीशनिंग करनी है ठीक है तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सप्लाई डक्ट उसके बाद हम बात करते हैं सप्लाई आउटलेट की ठीक है देखिए सप्लाई आउटलेट क्या होता है कि इट डायरेक्ट दायरेक्ट द कंडीशन एयर फ्रॉम द सर्कुलेटिंग फैन टू द स्पेस टू बी कंडीशन एट प्रोपर पॉइंट ओके तो सप्लाई डक्ट का काम क्या होता है सॉरी सप्लाई आउटलेट का काम क्या होता है सप्लाई आउटलेट का काम होता है कि जहां पे आपको एग्जैक्टली एयर कंडीशनिंग करनी है उस पॉइंट पे एयर को विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलेटिंग फैन ब्लो करता है ठीक है उसके बाद आता है आपका रिटर्न आउटलेट ठीक है रिटर्न आउटलेट क्या होता है देखिए जो आपके रूम में एयर आ चुकी है ठीक है उसको हमें रिटर्न भी लेना होता है ठीक है क्योंकि वही एयर को हम बार बार क्या करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम से गुजारते हैं ठीक है थीके? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दीज दीज आर द ओपनिंग्स इन द रूम ठीक है दीज आर द ओपनिंग्स इन द रूम सरफेस विच अलाउ द रूम एयर टू एंटर एंड टू द रिटर्न आ चुकी है तो रूम में बहुत ही स्मॉल हमारे पास ये कह सकते हैं कि आउटलेट्स बने होते हैं और, और उन आउटलेट्स के जो हमारी रूम में हो रही है, ठीक है जो एयर गर्म होती जा रही है ठीक है जिसको दोबारा से हमें हमारा एयर कंडीशनिंग करनी है उन एयर को हम रिटर्न आउटलेट के थ्रू अपने सिस्टम में वापस बैक लेते हैं ठीक है उसके बाद आता है आपका फिल्टर्स सो व्हाट इज फिल्टर्स अगर मैं फिल्टर की बात करूं तो देखिए यहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ है तो फिल्टर क्या होता है द मेन फंक्शन ऑफ द फिल्टर इज टू रिमूव द डस्ट डर्ट एंड अदर हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर जो आपका फिल्टर लगा होता है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी एयर हम यूज कर रहे हैं ठीक है उसका काम होता है कि उस एयर में से डस्ट पार्टिकल को डर्ट को और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको रिमूव कर दे ठीक है तो ये सारे हमारे पास कंपोनेंट होते हैं किसी भी एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इनके बारे में अभी हम देखेंगे डिटेल में कि कहां कहां पे ये चीजें यूज होती है लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम सो एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हमने क्लासिफाई किया हुआ है तीन तरीके से ठीक है अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस हमारा पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग ठीक है और अकॉर्डिंग टू पर्पस की अगर मैं बात करूं तो या आइदर वी विल डिजाइन आवर सिस्टम फॉर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग दैट मीन फॉर ह्यूमन बींग इफ यू आर डिजाइनिंग फॉर ह्यूमन बींग ठीक है फॉर द ह्यूमन देन इट इज अ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग द कंडीशन ऑफ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग इज यू विल रिक्वायर अ टेम्परेचर ऑफ नियरली 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ठीक है तो एक कंडीशन ये भी होती है कि एक नियरली टेम्परेचर हम मान के चलते हैं कि द टेम्परेचर विल बी नियरली 21 टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देयर इज अ रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी दैट इज 50 टू 60 परसेंट सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ह्यूमन कंफर्ट ओके नाउ कम टू द इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ठीक है दूसरा जो आपका डिवीजन है हमारा अकॉर्डिंग टू द पर्पस दैट इज इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में वी विल रिक्वायर सम स्पेशल एयर कंडीशनिंग स्पेशल एयर कंडीशनिंग मीन्स वी विल रिक्वायर सम एग्जैक्ट टेम्परेचर लाइक इफ वी रिक्वायर फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड

अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द ईयर तो अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द ईयर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो हमारे पास जो सीजन होता है वो होता है विंटर सीजन दैट मीनस वी विल यूज द विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू द सीजन समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम वी विल हैव द इयर राउंड एयर कंडिशनिंग सिस्टम ये तीन तरीके के सिस्टम होते हैं विंटर एयर कंडिशनिंग सिस्टम समर एयर कंडिशनिंग सिस्टम और ईयर राउंड एयर कंडिशनिंग सिस्टम ठीक है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपके यूज होते हैं विंटर में समर एयर कंडिशनिंग सिस्टम आपके समर में यूज होते हैं और राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको आप पूरे ईयर यूज कर सकते हो ठीक है इरेस्पेक्टिव ऑफ विंटर एंड समर ठीक है कोई भी आपका हो महीना आप उसमें ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज कर सकते हो ठीक है उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स

अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करके और हम एयर कंडीशनिंग करते हैं ठीक है तो इस तरीके से भी हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं तो नाउ कम टू द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में तो comfort air conditioning system क्या होता comfort air conditioning system होता है? है, है? देखिए जो ठीक इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो हम air है, उसकी ऐसी air conditioning करते हैं कि जिससे उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो ड्राइवल टेम्परेचर है वो हमारे ह्यूमन हेल्थ और इफिशी के लिए बेस्ट हो ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए कंफर्ट एयर कंडीशनिंग क्या होता है कि इन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग The air is brought to the required driver temperature and relative humidity for the human health, comfort and efficiency. That means we will do the air conditioning so that it will provide maximum human <coughs> comfort.

फाइव परसेंट ठीक है एंडल टेम्परेचर टू बी 21 डिग्री सेंटीग्रेड इफ वी आर गोइंग फॉर द ह्यूमन कंफर्ट अगर हम ह्यूमन कंफर्ट के लिए जा रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो होगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो कितनी होगी 55 परसेंट ओके तो अब हम आगे देख लेते हैं जो हमारे पास बेसिकली सेंसिबल हीट फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ठीक है जब हम कैलकुलेट करते हैं कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे लोड कितना होगा ठीक है तो इसमें देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा सेंसिबल हीट फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या रखनी है आपको तो देखिए अगर रेसिडेंस या प्राइवेट ऑफिस है तो उसमें आपको पॉइंट नाइन रखनी है ठीक है अगर आपका रेस्टोरेंट या बीजी ऑफिस है तो आपके आपका वहां पे पॉइंट एट रखनी है अगर आपके पास ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल है तो उसके लिए सेंसिबल हीट फैक्टर को आपको लिखना है पॉइंट सेवन एंड अगर आपका बॉल रूम या डांस हॉल है ठीक है तो उस केस में आपको पॉइंट रखना है अब ये देखिए जो सेंसिबल हीट फैक्टर है ये क्या होता है दिस इज द सेंसिबल हीट divided by sensible heat upon latent heat. Okay. So this is the sensible heat factor. So जो human beings होते हैं उसकी वजह से जो ये latent heat वाला factor आता है this comes due to the human beings. ठीक है तो अगर ज्यादा number of persons होंगे तो उसके लिए जो latent heat की value होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाती है ठीक है क्योंकि वहां पसीना हमारा ज्यादा एबोपरेट होगा एंड इट विल गिव द मोर वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ठीक है तो मोर वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट अगर आएगा तो उस केस में क्या होगा सेंसिबल हीट फैक्टर हमारा डिक्रीज होगा ठीक है तो एज द नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीजेज अगर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके लिए जो सेंसिबल हीट फैक्टर है वो हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एज यू कैन सी ठीक है यहाँ पे देखिए इनिशियली ये पॉइंट नाइन था सेंसिबल हीट फैक्टर फिर ये पॉइंट वन हो गया अगर बीजी ऑफिस है तो ऑडिटोरियम और, है और नंबर ऑफ बढ़ गए तो ये सिनेमा हॉल के लिए पॉइंट सेवन हो गया और बॉल रूम या डांस हॉल है जिसमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है तो उसके लिए जो लेटेंट हिट की वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी तो उसके लिए जो हमारे पास सेंसिबल हिट फैक्टर होता है जनरली इट इज पॉइंट ओके सो नाउ वी विल डिस्कस अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा किस पे बेस्ड होगा कंफर्ट एयर कंडीशनिंग पे बेस्ड होगा ठीक है तो अब हम देखते हैं यहां पे देखिए एयर कंडीशनिंग प्लांट टेक दिस एग्जांपल ओके सो एयर कंडीशनिंग प्लांट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई 60 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मिनट आपको क्या करना है एक एयर कंडीशनिंग प्लांट दिया हुआ है ठीक है जिसको 60 मीटर क्यूब पर मिनट एयर सप्लाई करनी है एट अ ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 55 फाइव परसेंट ऑफ ठीक है तो आपको फिफ्टी रिलेटिव ह्यूमडिटी पे ठीक है और 21 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राइवल टेम्परेचर पे आपको सप्लाई करना है एयर को दैट इट इज अ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग ठीक है द आउटसाइड एयर जो आउटसाइड एयर की कंडीशन है एट ड्राइवल टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड सिक्सटी परसेंट रिलेटिव जो बाहर की एयर है उसकी जो कंडीशन है वो आपके पास यहां दी हुई है 28 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सिक्सटी परसेंट रिलेटिव उसके बाद इन्होंने बोला है डिटरमाइन ठीक है डिटरमाइन मास ऑफ वाटर ड्रेंड एंड द कैपेसिटी ऑफ कूलिंग प्लांटिफाइ एंड एयर है तो ये ये आपको 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 दिया हुआ आपको क्या है, आपको ये है, है क्या निकालना कि जो हम जब 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 55% परसेंट पे लाएंगे 60 से तो जो मास ऑफ वाटर होगा वो कितना ड्रेन होगा ठीक है दूसरा आपको निकालना है जो आपकी कूलिंग कॉयल है जिससे हम कूलिंग करेंगे उस कॉयल की कैपेसिटी कितनी होगी ठीक है और आपको ये एज्यूम करके चलना है कि जो हमारी एयर होगी उसको हम फर्स्ट क्या कर रहे हैं डिह्यूमिडिफाई कर रहे हैं देन वी आर कूलिंग ठीक है ये आपका दिया हुआ है ठीक है तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको साइकोमेट्रिक चार्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे बिना साइकोमेट्रिक चार्ट के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे आप ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है साइकोमेट्रिक चार्ट लेना है और साइकोमेट्रिक चार्ट में जो आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है दैट मीन जो आपकी आउटलेट की जो कंडीशन दी हुई है उसको आपको आइडेंटिफाई कर लेना है ठीक है तो फर्स्ट यू हैव टू मार्क द पॉइंट वन

इंथेल्पी ठीक है ये देखिए आपको यहाँ पे इंथेल्पी बता रहा है ग्रीन लाइन ठीक है और उसके बाद ये जो लाइने हैं दीज लाइन्स दीज लाइन्स एज यू कैन सी दीज लाइन्स आर सोइंग यू द डेंसिटी ओके तो अगर मैं यहाँ पे पहला पॉइंट आइडेंटिफाई करता हूं तो पहला पॉइंट देखिए आपके जो पहला पॉइंट की हमारे पास कंडीशन है ठीक है जो फर्स्ट पॉइंट की कंडीशन है वो देख लेते हैं क्या देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट की जो कंडीशन है ठीक है वो हमारे पास है सिक्सटी परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो आपको क्या करना है इस साइकोमेट्रिक चार्ट में आपको 60 आपको टेम्परेचर लेना है ड्राइवल टेम्परेचर ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पहले ट्वेंटी एट फूट कर देता हूँ फिर मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा कैसे पॉइंट हम लोग मार्क करते हैं ठीक है एंड यू हैव टू टेक दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू बी 60% सो वी विल टेक दिस एज 60% ठीक है तो इसको हम लोग ले लेंगे 60% ठीक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एंड नाउ वी विल एट दिस पॉइंट सो दिस इज द पॉइंट एज यू कैन सी दिस इज द पॉइंट ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ से आपको जाना है सीधा देखिए ये 28 की लाइन ये होगी तो 28 आपको यहां से सीधा जाना है और ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है देखिए यहाँ पे 60 परसेंट लिखा हुआ है तो ये 60 परसेंट की लाइन आ रही है 60 परसेंट की लाइन तो 60% और 28 डिग्री से आपको ये पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा आपका अपना ठीक है अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ठीक है तो बाय दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पॉइंट ठीक है यहां से आपको इधर जाना है 28 आपको 28 क्या करना है यहां से ऊपर की तरफ जाना है और यहां पे आपको 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के देखना है तो आपको पॉइंट नंबर 1 मिल जाएगा आपके साइकोमेट्रिक चार्ट में ठीक है इसी तरीके से जो हमारी फाइनल, है, हम उसको देख लेते। जो हमारी फाइनल है वो है हमारी सेंटीग्रेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना है दोबारा से आपको चार्ट में जाना है अपने चार्ट में जाना है ठीक है और मैं यहाँ पे एड करके दिखाऊंगा आपको दूसरा पॉइंट ठीक है तो देखिए जो दूसरा पॉइंट होगा हमारा तो अब मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊंगा देखिए यहां पे आप देख सकते हो कि जो हमारा 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 50 परसेंट ये देखिए यहाँ पे 50 परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और 21 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका टेम्परेचर है तो ये एक लाइन यहाँ से गई और ये आपकी 50 वाली लाइन यहाँ पे आई दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दिस विल शो यू द सेकेंड पॉइंट द आउटलेट कंडीशन ऑफ योर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम ठीक है तो ये आपके पास जो आउटलेट की जो फाइनल कंडीशन है वो आपके पास दी हुई है ठीक है तो ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज टू पॉइंट ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट तो जब आप साइकोमेट्रिक चार्ट में ये दोनों पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो देखिए जैसा इसने बोला हुआ है पहले कि फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द एयर कंडीशनिंग प्लांट According to the air conditioning plant, first air is dehumidified and then it is cooled. ठीक है तो इसको आप क्या कर सकते हो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो जो आपकी ये जो लाइन बनी है आपको क्या करना है? आपने कर लिया, कर देना है, two, है इसके बाद आपको क्या करना है देखिए बोला है कि इस जो वन टू टू का प्रोसेस है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है फर्स्ट वी विल डू द डिमिडिफिकेशन देन वी विल डू द तो फर्स्ट अगर डिमिफिकेशन करते हैं तो यहां से आपको क्या करना है पहले देखिए

करना है इसको सॉल्व ठीक है तो देखिए आपको वन पॉइंट की कंडीशन पता है तो आप वन पॉइंट पे W1 वन की वैल्यू आप रीड कर सकते हो आपको हॉरिजेंटली जाना है ठीक है और जहां पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर W1 वन सिमिलरली आपको टू पॉइंट पता चल चुका है तो टू पॉइंट पे आपको ओरिजेंटली जाएंगे तो दैट विल बी डब्ल्यू टू एज वेल एज डब्ल्यू थ्री ठीक है तो W2 और W3 बराबर ही होंगे ठीक है तो इन दोनों वैल्यू को आपको पढ़ लेना है तो अगर आप रीड करोगे आप साइकोमेट्रिक चार्ट से अगर आप रीड करते हो देन यू कैन फाइंड आउट दिस वन पॉइंट डब्ल्यू वन टू बी पॉइंट जीरो डब्लू टू टू बी पॉइंट जीरो जीरो एट फोर मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूं ये दोनों वैल्यू आप देख सकते हो जो पहला पॉइंट है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ठीक है और यहाँ पे देख लो आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू होती है दिस इज दिस वैल्यू इस, इस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी है पॉइंट जीरो वन टू पे मैं बात करूं absolute या specific एक ही होती है तो अगर टू पे मैं बात करता हूँ तो पॉइंट नंबर टू पे जो हमारी स्पेसिफिक वैल्यू है दैट इज पॉइंट जीरो जीरो सेवन सेवन ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये दोनों वैल्यू लिख ली है ठीक है यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वैल्यू में चेंज है आई थिंक ठीक है तो आप इसको देख लेना है जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी डब्ल्यू टू ठीक है तो ये हमारा डब्लू टू होगा ये हो सकता है कि हमारा वहां पॉइंट की कंडीशन डिफरेंट हो तो आप डब्लू टू अगर आप पढ़ोगे तो पॉइंट जीरो जीरो एट फोर आपको मिल जाएगा ठीक है तो पॉइंट जीरो जीरो फोर आपको डब्ल्यू टू मिल गया तो इसके बाद आपको क्या करना है स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू पढ़नी है टू पॉइंट पे ठीक है तो टू पॉइंट पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम्स की जनरली जो लाइन्स होती है वो इस तरह की आपको आपको एक इस चार्ट में आपको इस चार्ट में इस तरह की लाइंस मिल जाएंगी, इस तरीके की लाइंस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपका वॉल्यूम दिया रहता है तो इसको आपको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या वैल्यू आ रही है ठीक है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का आपको पता चल जाएगा कि टू पॉइंट पे अगर आपको देखना है तो टू के नजदीक जो लाइन होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा यहाँ पे टू पॉइंट है तो टू के नजदीक जो लाइन होगी इसके अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करके ठीक है निकाल लेना है कि क्या होगा टू पॉइंट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी सो यू विल सी द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट टू इट इज कमिंग आउट टू बी पॉइंट एट फोर फाइव मीटर क्यूब पर ऑफ एयर ओके सिमिलरली इफ यू इफ यू विल कैलकुलेट द मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड तो आपको मास ऑफ द एयर सर्कुलेटेड निकालने के लिए जो आपके रूम का वॉल्यूम है उससे आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिवाइड देना है ठीक है क्योंकि ये जो आपका रूम का जो आ, आपका वॉल्यूम है दैट इज इन मीटर क्यूब और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इन मीटर क्यूब पर केजी ओके सो फाइनली यू विल गेट दिस इन ये आपका है मीटर क्यूब पर मिनट में ये आपका जनरली रहता है V2 जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ हुआ है है ये मीटर क्यूब पर मिनट में और ये आपका किस में मीटर क्यूब पर के जी में है तो आपको क्या करना है इन दोनों को डिवाइड करेंगे वी टू डिड बाई वी एस टू अगर आप करोगे देन यू विल गेट सिक्सटी डिवाइडेड बाई पॉइंट एट फोर फाइव एंड यू विल गेट दिस दिसन के जी पर मिनट दैट मीनस इन योर कंडीशन रूम यू विल रिक्वायर टू सर्कुलेट 71 वन के जी पर मिनट ऑफ एयर ठीक है अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सबसे पहला जो हमें कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट करना था मास ऑफ वाटर ड्रेन ठीक है तो देखिए मास ऑफ वाटर ड्रेन की जो वैल्यू होती है दैट इज एम डॉट ए डब्लू वन माइनस डब्लू टू ठीक है अगर आप कहोगे सर ये कहां से आया है कि मास ऑफ द वाटर ड्रेन इतना ही होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है आप देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एम डॉट ए ठीक है एम डॉट ए देखिए W1 की वैल्यू क्या होती है W1 तो एम डॉट ए यहाँ पे माइनस इस पे अगर आप लिखोगे इसको क्या लिख सकते हो डिड बाई एम डॉट ए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एम डॉट ए एम डॉट ए कैंसल आउट हो जाएगा एंड फाइनली इट इज कमिंग आउट टू बी द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर बिटवीन वन एंड टू सो दिस विल बी दिस विल बी द वाटर

मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अगर आप करते हो ऐसा हमने इस फॉर्मूले को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो रीड कर सकते हैं वैल्यू वो हम डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू की कर सकते हैं क्योंकि एम वी वन और एम बी टू हमारे पास साइकोमेट्रिक चार्ट में नहीं होता है ठीक है तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है डब्लू वन माइनस डब्लू टू और इसको आपको सेवेंटी वन आप निकाल चुके हो इसे एम डॉट ए की वैल्यू मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर के जी डब्लू वन आप रीड कर चुके हैं टू आप रीड कर चुके एंड इफ फाइंड गेट दिस इन के जी पर मिनट दिस Will come out to be पर मिनट ठीक है drained, उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट जो था इसमें कूलिंग ऑयल वॉट विल आपको क्या करना है कि की वन पॉइंट की इंथेरपी आपको लिख लेनी है टू पॉइंटी आपको लिख लेनी है ठीक है और जो एच टू माइनस एच वन होगा कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉयल की कूलिंग क्वाइल की क्या कैपेसिटी है जो भी में चेंज आएगा उस ड्यूरेशन में दैट विल गिव यू द चेंज इन द इंथेरेपी क्योंकि कूलिंग पे अगर आपको ये निकालना है कि चेंज इन थे क्या होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको कूलिंग कॉयल को ऐसे लेना है और यहाँ पे आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करनी है तो दिस विल बी योर पॉइंट नंबर वन एंड दिस विल बी योर पॉइंट नंबर टू ठीक है तो यहाँ पे आप मान लेंगे की वैल्यू इन और यहाँ पे एस एच वन और यहां पे मान लेंगे आप एच टू ठीक है और अगर आप स्टडी फ्लोर एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू दैट मीस द हीट दैट इज टेकन बाय दिस कूलिंग ऑयल हीट दैट इज टेकन बाय दिस कूलिंग ऑयल क्यू विल बी क्यू विल बी एम डॉट ए दैट मीनस द मा ऑफ वाटर दैट यू आर गोइंग टू सर्कुलेट मल्टीप्लाइड बाई एच टू माइनस एच वन यूल दिस इफ यू अप्लाई दिस स्टडीलॉजी क्वेश्चन ठीक है ये आपका क्या देगा ये आपका देगा कैपेसिटी ऑफ कुल ऑयल और कैपेसिटी ऑफ कूलिंग ऑयल के लिए आपको क्या करना है सेवेंटी वन जो आपका मास ऑफ वाटर है मल्टीप्लाइड बाई एच वन माइनस एच टू करेंगे जीरो पॉइंट फोर ठीक है किलोजूल पर मिनट दिस विल बी कैपेसिटी ऑफ कुल अगर आपको टी आर निकालना है तो इसको आप 210 से डिवाइड कर दीजिए 7.57 ठीक है, सॉरी वैल्यू ऑफ कैपेसिटी ऑफ कूलिंग ऑयल इन टी आर विल बी सेवन पॉइंट फाइव सेवन टी आर तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपका आता है एयर कंडीशनिंग प्लांट पे ठीक है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है नाउ कम टू द इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ठीक है तो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट फॉर प्रोपर वर्किंग ऑफ मशीन एंड फॉर प्रोपर रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिस ठीक है समटाइम्स यू विल रिक्वायर सम स्पेशल ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड सम स्पेशल ह्यूमिडिटी दैट मीन यू विल रिक्वायर सम स्पेशल पॉइंट ठीक है तो उस केस के लिए आपको क्या करना है कि कभी कभार हमें मशीन को ऑपरेट करने के लिए या प्रॉपर रिसर्च के लिए या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इस तरह की जरूरत पड़ती है कि हमें एक स्पेशलाइज ड्राइवर टेम्परेचर चाहिए होता है या एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी चाहिए होती है ठीक है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का ठीक है तो अब इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अगर मैं बात करता हूं तो सम सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जो होते हैं या कुछ मशीन जो होती है उसमें ज्यादातर ये जरूरत हमें पड़ती है ठीक है सम सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक

एक पर्टिकुलर ड्राइबल टेम्परेचर की और एक पर्टिकुलर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ठीक है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं ठीक है तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए बिल्कुल सिमिलर है जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी सॉल्व करना है आपको ठीक है मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है देखिए लेटेस्ट सी दिस एग्जाम्पल फ्लोइंग डेटा रिफर्स टू एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू बी डिजाइन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर हॉट एंड वेट क्लाइमेट ठीक है आपको एक पार्टिकुलर दिया हुआ है ठीक है कि आपको क्या करना है कि एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन करना है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस ठीक है जिसमें हॉट एंड वेट क्लाइमेट दिया हुआ है देखिए आउटसाइड कंडीशन दैट मीन बाहर की जो एयर है वो हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड और फिफ्ट परसेंट रिलेटिव ह्यमिट्री पे अवेलेबल है ठीक है उसके बाद आप देख लेते हैं रिक्वायर्ड इनलेट कंडीशन जो दी हुई है दैट दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड हमें जो अंदर इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग के लिए एयर चाहिए वो चाहिए ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई सेंटीग्रेडल टेम्परेचर पे और रिलेटिव ह्यूमिट्री जो चाहिए वो चाहिए सिक्सटी ठीक है तो इसके लिए आपको डिजाइन करना है ठीक है द रिक्वायर्ड कंडीशन इज टू बी अचीव फर्स्ट बाय कूलिंग एंड देन देफाइंग अब इसने ये बोल दिया है कि पहले आपको क्या करना है कूलिंग करना है देन आपको डिमिडिफिकेशन करना है ठीक है एंड देन बाय हीटिंग उसके बाद आपको क्या करना है हीटिंग करना है ठीक है इफ 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज बाय प्लांट एवरी मिनट जो आपका एयर सर्कुलेशन इन मीटर क्यूब पर के जी दिया हुआ है सॉरी मीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ है दैट इज 20 मीटर क्यूब पर मिनट ठीक है जो आपका प्लांट है वो 20 मीटर क्यूब पर मिनट का एयर सर्कुलेशन कर सकता है उसके बाद आपका यहां पे दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ द फाइन कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉइल इन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन जो आपकी कूलिंग ऑयल की कैपेसिटी है उसको आपको टीआर में बताना है ठीक है वो आपकी वैल्यू होती है एम डॉट एच टू माइनस एच वन ठीक है तो डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड टेन कर देंगे तो आपका टीआर में आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ हीटिंग ऑयल आपको हीटिंग क्वाल की कैपेसिटी बतानी है किलो वाट में ठीक है आपको किलो वाट में हीटिंग क्वाल की कैपेसिटी बतानी है उसके बाद आपको अमाउंट ऑफ वाटर रिमूवड पर आवर बताना है ठीक है तो ये इस वैल्यू को अभी हम, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करना है आपको बाईपास फैक्टर की वैल्यू बतानी है बाईपास फैक्टर ऑफ द हीटिंग ऑयल जो हीटिंग ऑयल है उसका बाईपास फैक्टर आपको बताना है इफ इट्स सर्फेस टेम्परेचर इज थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड दैट मीनस आपको ए की वैल्यू दे दी है ठीक है ड्यू पॉइंट दिया हुआ है थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड यू हैव टू कैलकुलेट द बाईपास फैक्टर बीपीएफ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है बाईपास फैक्टर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको कैसे सॉल्व करना है देखो सबसे पहले जैसा इन्होंने दिया हुआ है इन्होंने पहले ही बोल दिया कि आपको क्या करना है इनिशियली आपको कूलिंग करनी है ठीक है फिर आपको डिमिडिफिकेशन करना है फिर आपको हीटिंग करनी है ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे वन टू टू डैश जो आपका पहला पॉइंट होगा उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे ठीक है जो आपका पहला पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है दी हुई परसेंट रिलेटिव 30 डिग्री सेंटीग्रेड बल्ब टेम्परेचर आपको दिया हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका पहला पॉइंट है, है? दी है. 30 और 75 तो आपको क्या करना है कि आपको अपने साइकोमेट्रिक चार्ट में इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना करना है ये जो पहला पॉइंट है दिस इज पॉइंट नंबर वन तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे पहले आपको तीस यहाँ पे दे पढ़ लेना है ड्राइवल टेम्परेचर आप वर्टिकली ऊपर जाना है और 75 फाइव परसेंट रेटिवेटी की जो लाइन आ रही होगी जहां पे वो कट कर रहा होगा दैट विल बी योर पॉइंट नंबर वन ठीक है तो ये आपका पॉइंट नंबर वन हो जाएगा

से थ्री जो है दैट इज सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस ये हमारा क्या है सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस है, टू से थ्री का जो प्रोसेस है ठीक है, है सॉरी जो, जो आपकी कंडीशन है जो आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग की कंडीशन है ठीक है जो आपका इनसाइड का टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए रिक्वायर्ड इनलेट कंडीशन दैट इज ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एंड सिक्सटी रिलेटिव आप

अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्या कैलकुलेट करने को बोला है तो सबसे पहले आपको मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर मिनट निकालना है आपको एम डॉट ए की वैल्यू चाहिए होगी सबसे पहले ठीक है तो एम डॉट ए की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए देखिए पे स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आप देख सकते हो जो भी लाइन यहां से गुजर रही होगी उसके थ्रू आप स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो यू विल फाइंड दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम टू बी पॉइंट एट एट सिक्स वन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो लाइन आपको मिलेगी किसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम की यू विल रीड दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्रॉम साइकोमेट्रिक चैट डायरेक्टली पढ़ सकते हो एच वन की वैल्यू क्या होगी यहाँ से आपको इधर की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको एच वन मिल जाएगा ठीक है इसी तरीके से आप एच थ्री पढ़ सकते हो एच थ्री की जो वैल्यू है यहाँ पे थ्री पॉइंट आपको पता है यहाँ से सीधा सीधा ऐसे जाना है आपको इस तरीके से इंक्लाइन लाइन पे जाना है टू पॉइंट पे भी आप एच टू पढ़ सकते हो ठीक है तो अब इसने क्या बोला हुआ है देखिए ऑफ पॉइंट वन अगर आप पढ़ोगे तो यू विल गेट दिस ऑफ पॉइंट एच टू एस थर्टी टू पॉइंट थर्टी फोर पॉइंट टू किलोजुल के जी ठीक है तो ये दोनों वैल्यूज आप पढ़ सकते हो कि टू पॉइंट पे क्या होगा और वन पॉइंट पे क्या होगा ठीक है ये दोनों पॉइंट पे हम लोग इंथेल्पी बता सकते हैं ठीक है तो अब हमें कैपेसिटी ऑफ कूलिंग ऑयल चाहिए पहले हम मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड देख लेते हैं मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड कैसे निकालना है तो मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड के लिए बी एस वन आपने पहले ही रीड कर लिया है ठीक है और बी वन आपको दिया हुआ है कि 20 मीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ है ये वैल्यू आपके पास 20 मीटर क्यूब पर मिनट है और ये आपके पास के जी पर मिनट सॉरी ये आपके पास मीटर क्यूब पर के जी में वैल्यू है ठीक है तो इन दोनों वैल्यू को आप ट्वेंटी डिवाइडेड बाय पॉइंट एट एट सिक्स करेंगे यू विल गेट द मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट कितना रिक्वायर्ड होगा ये आपका आ जाएगा 22.6 केजी पर मिनट ठीक है नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ कूलिंग ऑयल देखिए आप पहले आपको कूलिंग ऑयल के लिए आपको देखना है कूलिंग ऑयल आपका कहां लगा है ठीक है देखिए जो आपका कूलिंग ऑयल लगा है वो लगा है आपका वन से टू के ड्यूरेशन में पूरा वन से टू के ड्यूरेशन में आपका क्या लगा है कूलिंग ऑयल लगा है क्योंकि आपकी एयर किस कंडीशन में है आपकी एयर की आपने क्या करी सबसे पहले आपने इसकी इनिशियल कूलिंग करी है वन से टू तक ठीक है वन से टू डैश तक उसके बाद आपने क्या करा है इसके बाद इस आपने डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस करा है ठीक है तो जो आपका कूलिंग का जो होगा कूलिंग का जो आपका चेंज इन द इंथेल्पी जो होगा आपका ठीक है तो चेंज इन द इंथेल्पी आपका टो टोटल जो कूलिंग में होगा दैट इज कूलिंग प्रोसेस जो हमारा है वो हमारा वन से टू के बीच का प्रोसेस जो है वो पूरा कूलिंग प्रोसेस है ठीक है तो इस कूलिंग प्रोसेस में अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो कूलिंग और डिमेडिफिकेशन हमने करी है इस प्रोसेस में तो इंथेपी में चेंज कितना हुआ है तो में चेंज हुआ होगा कितना देखिए आपका एच वन इनिशियल कंडीशन थी और एच टू फाइनल कंडीशन है तो ये आपकी इंथेलपी में चेंज हो गया ठीक है अगर आपको कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल कोई पूछता है तो क्या होगा वो एम डॉट ए एच टू माइनस एच वन सॉरी एच वन माइनस एच टू हो जाएगा ठीक है तो एम डॉट ए यहाँ पे देख सकते हो आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हो एम डॉट ए एच वन माइनस एच टू ठीक है एंड इफ यूलेट दिस तो ये दिया हुआ है आपको 22.6 आप निकाल चुके हो ये आप h1 पढ़ सकते हो रीड कर सकते हो फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट दिस H2 टू कैन ऑल्सो बी रीड फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट एंड फाइनली यू आर गेटिंग दिस टू बी वन है उसके बाद आपको पूछा है कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल तो देखिए हीटिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो हीटिंग हमारा ये प्रोसेस है टू से थ्री का जो प्रोसेस है दैट इज सेंसिबल हीटिंग तो हीटिंग की कैपेसिटी की जब कोई बात करेगा तो वो हमारा कितना होगा एम डॉट ए और चेन इन द इंथेपी बिटवीन टू टू थ्री तो वो आपका थ्री की हो यहाँ पे क्योंकि वैल्यू तो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हो गया आपका एम डॉट ए एच टू माइनस एच थ्री एंड इफ पुट डाउन ऑल द वैल्यूज यू विल गेट दिस टू बी थ्री पॉइंट वन सिक्स किलो वाट ये आपका आ जाएगा थ्री पॉइंट वन सिक्स किलो वाट ठीक है सिमिलरली अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव्ड पर आवर ये आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसा हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था एम डॉट ए डब्लू वन माइनस डब्लू टू तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो W1 आप रीड कर सकते हो डब्लू टू आप रीड कर सकते हो पॉइंट वन पे स्पेसिफिक मिनिटी की वैल्यू पॉइंट पे स्पेसिफिक एम डॉट ए आपने निकाल ही लिया है एम डॉट ए ऑलरेडी आप निकाल चुके हो सू चु विल गेट दिसंट फोर एट के जी पर आवर ठीक है उसके बाद देखिए आपका आता है बाईपास फैक्टर ठीक है देखिए जो बाईपास फैक्टर होता है बाईपास फैक्टर ऑफ यहाँ हमें हीटिंग ऑयल बोला हुआ है कि फैक्टर निकालना है हीटिंग ऑयल का तो बाईपास फैक्टर का जो की जो वैल्यू होती है दैट इज बट पी माइनस जो आपका आउटलेट है ठीक है अगर हीटिंग ऑयल है तो आउटलेट का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय आपका होता है एडीपी माइनस जो आपका हीटिंग ऑयल है उसके इनलेट का टेम्परेचर ठीक है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो यहां पे ठीक है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एडीपी की वैल्यू दी हुई थर्टी फाइव तो ये आपका थर्टी फाइव हो गया जो आउटलेट कंडीशन है हमारी वो है ट्वेंटी तो ये आपका ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड है ठीक है एडीपी जो है आपका ठीक है ये आपका फिर से 32 है ठीक है अब बात आती है इस टी डी टू की ओके सो okay, so आपका जो बाईपास फैक्टर है वो आपको कैसे निकालना है दिस इज द इनलेट कंडीशन ठीक है तो इनलेट कंडीशन ऑलरेडी आपको पता है ठीक है तो इनलेट कंडीशन जो है आपकी कितनी होगी 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 35 फाइव आपका एडीपी दिया हुआ है ठीक है माइनस ये आपका 20 दिया हुआ है आउटलेट कंडीशन फ्रॉम द हीटिंग कॉइल फिर आपका एडीपी दिया हुआ है 35 फाइव डिग्री सेंटीग्रेड माइनस आपकी इनलेट कंडीशन कितनी है 12 डिग्री सेंटीग्रेड है अगर आप ये देखेंगे टी डी की वैल्यू कहां से आएगी तो देखिए आप ये थ्री पॉइंट जब आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है तो थ्री पॉइंट से आपको इधर की तरफ जाना है और जहां पर यह सेचुरेशन लाइन को कट करेगा this will be the inlet condition of your uh, heating coil okay and this is the टी डी थ्री ये आपका ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टू टी डी थ्री है और ये आपका टी डी टू है तो ये इन दोनों के बीच हीटिंग कॉइल लगा हुआ है तो इस तरीके से आप जो वैल्यू है यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर सकते हो यू वैल्यूज ठीक है देन बाईपास फैक्टर विल बी टी डी फोर दैट मीनस ए डी पी यहाँ पे ए डी पी को टी डी फोर बोला हुआ TD4 minus TD3, divided by TD4 minus TD2, है टी डी फोर माइनस टी डी थ्री डिवाइडेड बाई टी डी फोर माइनस टी डी टू ठीक है So, finally, you are getting this to be 0.658. Okay. So, thank you all. Take a rest. The winter air conditioning system and the summer air conditioning system will be discussed in the next lecture. Okay. So, be connected. Best of luck.